बच्चों आज फर्स्ट क्लास है, आज आपकी फर्स्ट क्लास है तो बिल्कुल स्टार्टिंग का ही पोर्शन पढ़ा दे रहे हैं। देखिए पार्ट ए आपका मैथमेटिकल फिजिक्स है, मैथमेटिकल फिजिक्स बहुत जल्दी ही थोड़ा सा प्रॉपर बैच बन जाए ये भी शुरू हो जाएगा, ठीक है। पार्ट बी न्यूटोनियन मैकेनिक्स एंड वेव मोशन, इसकी प्रगति प्रकाशन की आपको बुक लेनी है। बिल्कुल न्यू बुक है ना, तो वो हम जब तुम लोगों को लेना तो बता देना, हम मंगवा देंगे तो ज़्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा 20%, ठीक है। 285 रुपये की थी, 20% डिस्काउंट के बाद, हो सकता है पिछले साल 200 थोड़ा बहुत बढ़ गई हो, ठीक है। पार्ट बी मैंने शुरू किया है, उसमें लेसन फर्स्ट है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स बिल्कुल थ्योरिकल बेस पहले स्टार्टिंग वहां से कर दे रहे हैं। देखिए रिव्यू ऑफ, पहला टॉपिक यही है, रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ मैकेनिक्स बिफोर न्यूटन, ये है पहला टॉपिक। सिलेबस जब देखोगे तो पहला टॉपिक ये है, ठीक है। आज और कल थ्योरिकल बेस पर है, आज कल दो दिन में हो जाएगा। रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ मैकेनिक्स बिफोर न्यूटन, 2023 में आपको जरूर थोड़ा बहुत इसका पाठ मिलेगा। मतलब क्या है कि मैकेनिक्स के में न्यूटन से पहले क्या थी, मैकेनिक्स में क्या क्या लोगों ने बताया न्यूटन के पहले, ठीक है। तो न्यूटन के पहले सबसे पहले एरिस्टोटल आए, उन्होंने फिलॉसफी टाइप से अपना एक इमेजिनेशन टाइप से बता दिया। फिर आपके निकोलस कॉर्पिनिकस आए, उन्होंने अपनी बात बताई। फिर उसके बाद टाइको ब्रा आए, उन्होंने बात बताई। फिर उसके बाद आपके जॉनस कैपलर आए, ठीक है, जिन कैपलर्स ला वाले। और फिर उसके बाद आए आपके गैलीलियो गैलीली, और उसके बाद आए न्यूटन, ठीक है। तो उसके पहले इतने साइन कोई फिजिक्स का ही था, मतलब कोई फिजिशियन ही समझो, और कुछ फिलोसफर थे। फिलोसफर का मतलब होता है जो मतलब इमेजिन करे, अपनी इमेजिनेशंस बताएं कि इस तरह होगा, ये इस तरह होगा, ठीक है। तो वो फिलोसफर होते हैं, है ना। तो उसी पर सबसे पहला पॉइंट में थ्योरिकल बेस्ड है तो पॉइंट में लिखा दे रहे हैं, ठीक है, तो याद करने में दिक्कत ना हो, ठीक है। देखिए मैकेनिक्स, मैकेनिक्स इज द एरिया ऑफ फिजिक्स, मैकेनिक्स इज द एरिया ऑफ फिजिक्स
रिलेटेड विथ जो रिलेटेड, ये पहला टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक यही है, हमने क्रम से ही कर दे रहे हैं ऑनलाइन में क्रम से। रिलेटेड विथ द मोशन ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट्स, फिजिकल ऑब्जेक्ट्स के मोशन से रिलेटेड है, रिलेटेड विद द मोशन ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, फिजिकल ऑब्जेक्ट्स में सब आ जाते हैं, हम भी आ जाते हैं, प्लैनेट्स भी आ जाते हैं, सैटेलाइट्स भी आ जाती है, बस भी आ जाती है, जितनी भी चीजें मूव कर रही हैं वो सब फिजिकल ऑब्जेक्ट्स। फिर मैकेनिक्स गिव द रिलेशन, मैकेनिक्स ने रिलेशन दिया है, ठीक है, अमंग फोर्स मैकेनिक्स गिव द रिलेशन अमंग फोर्स मैटर एंड मोशन। मैकेनिक्स ने रिलेशन दिया है फोर्स के बीच में, मैटर के बीच में और मोशन के। ठीक है, फोर्स का मतलब जान रहे हो, अभी कल ही पढ़े थे, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, न्यूटन सेकेंड लॉ, मैटर सॉलिड लिक्विड और गैस, तीसरा मोशन जो आपका मोशन। ठीक है, तो इसके बीच में रिलेशन दिया। आगे आइए, मैकेनिक्स का जो ऑरिजिन हुआ है, उत्पत्ति हुई है, वो एरिस्टोटल के द्वारा पहले, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं, क्योंकि हम लोग फिजिक्स का डेवलपमेंट न्यूटन से मानते हैं, पर न्यूटन नहीं है, एरिस्टोटल है, और जो एक ग्रीक फिलोसोफर थे। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट है ऑरिजिन ऑफ मैकेनिक्स बाई एरिस्टोटल, ऑरिजिन ऑफ मैकेनिक्स बाई एरिस्टोटल। मैकेनिक्स का जो ऑरिजिन हुआ वो किसके द्वारा हुआ? एरिस्टोटल के द्वारा, ये फिलोसोफर थे, ग्रीक फिलोसोफर थे, इसके द्वारा ऑरिजिन हुआ मैकेनिक्स का। फिजिक्स की एक ब्रांच है मैकेनिक्स, है ना। अब आगे आइए, बाद में किससे किससे क्या चीजें आई, इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन इन मैकेनिक्स, इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन इन मैकेनिक्स कम्स फ्रॉम, कहां से आया? पहला कंट्रीब्यूशन आया निकोलस कॉपरनिकस से, पहले एरिस्टोटल का, पहला तो एरिस्टोटल है, फिर दूसरे निकोलस कॉपरनिकस है, कॉपरनिकस है, तीसरे आपके टाइको ब्राह है, टाइको ब्राह, टाइको ब्रा तीसरे हैं, चौथे आ रहा है ना,
टाइकोब्रा है। गैलीलियो से टाइकोब्रा के बाद आए जॉनस कैपलर, जॉनस कैपलर, फिर आए गैलीलियो गैलीली, गैलीली, गैलीलियो गैलीली, और फिर आए इन पांच के बाद न्यूटन है। न्यूटन के पहले ये चार है, ठीक है। चारों के मुझे थोड़ा थोड़ा विषय में उनके द्वारा फिजिक्स में क्या क्या दिया गया वो बताते जाएंगे, ठीक है। जब बुक देखोगे तो बुक में 3 पेज लिखा हुआ है और कहीं से भी शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, तो हमने पॉइंट में बता दिए हैं जितना आना है, ठीक है। पूरी थ्योरी अब देखिए, तो एक शॉर्ट क्वेश्चन हो गया यहां से, चार पॉइंट का, ठीक है। इसको आपको 4 पॉइंट लिखने, एक शॉर्ट क्वेश्चन हो गया। दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन एरिस्टोटलियन फिजिक्स का है, जो एरिस्टोटल ने डेवलप की उसे कहते हैं एरिस्टोटलियन फिजिक्स, ठीक है। तो ये 4, 5वां पॉइंट आ गया। हम यहां से हेडिंग डाल दे रहे हैं एरिस्टोटलियन फिजिक्स, एरिस्टोटलियन फिजिक्स। तो यहां से पॉइंट दूसरा क्वेश्चन का हो गया। मैकेनिक्स डेवलप्ड बाई एरिस्टोटल, मैकेनिक्स डेवलप्ड बाई एरिस्टोटल, जो मैकेनिक्स डेवलप हुई एरिस्टोटल के द्वारा, मैकेनिक्स डेवलप्ड बाई एरिस्टोटल इज नोन एज एरिस्टोटलियन फिजिक्स। फिजिक्स मैकेनिक डेवलप्ड बाय एरिस्टोटल इज नोन एज एरिस्टोटलियन फिजिक्स, ठीक है। ये एरिस्टोटल एक ग्रीक फिलोसोफर थे। एरिस्टोटल आपके एक ग्रीक जगह का नाम है, उसके फिलोसोफर थे। अब इसके अंदर है, पांचवें के अंदर, ठीक है। इस पॉइंट के अंदर हम लिखोगे, ठीक है। फिर इनके फिफ्थ पॉइंट है एरिस्टोटलियन फिजिक्स, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, इसमें 4-5 पॉइंट लिखा रहा है। अब देखिए आपका एरिस्टोटल, एरिस्टोटल इज ए ग्रीक फिलोसोफर, एरिस्टोटल इज ए ग्रीक फिलोसोफर, ग्रीक फिलोसोफर, ग्रीक फिलोसोफर
एंड एंड गिव द लॉ एंड गिव द लॉज रिलेटेड विथ नेचर रिलेटेड विथ नेचर. उन्होंने ला दिए हैं जो नेचर से रिलेटेड. गिव द लॉ रिलेटेड विथ नेचर. दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट, इन्होंने बताया यूनिवर्स के सेंटर पर अर्थ है, और जब यूनिवर्स के सेंटर पे अर्थ मान लोगे तो उसे कहेंगे जियो सेंटर. ठीक है, इनके अनुसार यूनिवर्स इस पूरे यूनिवर्स के सेंटर पे अर्थ है और इसे इन्होंने कहा जियो सेंट्रिक. और सन को सेंटर पे मान लेंगे तो उसे कहेंगे हेलो सेंट्रिक. ठीक है, वो अभी लिखवाएंगे. तो अकॉर्डिंग टू Aristotle, according to Aristotle, Earth exists at the center of universe. Earth exists at the center of universe. Earth exists at the center of universe. Universe. And it is stationary. ये क्या है stationary? अब इनके अनुसार Earth center पर है तो universe जियोसेंट्रिक है. यूनिवर्स इज जियोसेंट्रिक. अकॉर्डिंग